हम आप लोगों को बताएंगे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्ल और फितरत की रहनुमाई में कितने ही अहकाम दिए हैं, बहुत सारे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान क्यों भेजे गए? ताकि अल्लाह का मैसेज पहुंचा दें। क्या आपका काम सिर्फ मैसेज को पहुंचा देना था? सिर्फ नहीं ना, आपको हमको तालीम और तरबियत देना भी आपका मिशन था, सिखा देना। जैसा कि मस्कूर है कुरान हकीम में सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 151 में फरमाया, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताबा वल हिक्मा। और इसी तरह हमने तुम्ही में से एक रसूल भेजा जो तुम्हें हमारी आयात की तिलावत करके सुनाता है, तुम्हारा तज़किया करता है और तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी चीजें ऐसे करके दिखा दी जिससे इंसानियत को पता चल जाए कि अमल में अक्ल और फितरत की रहनुमाई बहुत अहम है। ठीक है, अब कुछ ही मिसालें लेंगे, बेशुमार अहादीस हैं, बस कुछ ही लेंगे वक्त की कमी की वजह से। अजान के मुतालिक आपको पता है कैसे शुरू हुई थी? जिसकी हदीस सही बुखारी जिल्द नंबर 1 किताबुल अजान हदीस नंबर 575 इसमें है कि जब मस्जिद में पहले अजान होने से पहले से मदीना में मस्जिद नबवी में लोग अपने अंदाजे से इकट्ठा हो जाते थे, फिर इकट्ठा हो जाते थे तो नमाज जमात हो जाती थी। फिर जब लोग बहुत बढ़ने लगे तो ऐसा महसूस किया गया कि एक टाइम अनाउंसमेंट का हो, तो किसी ने मशवरा दिया कि क्रिश्चियंस की तरह कोई चर्च बेल यूज करें, किसी ने मशवरा दिया कि ज्यूज की तरह ट्रम्पेट यूज करें कॉल फॉर प्रेयर के लिए, तो किसी ने अपना अपना ऐसे मशवरा दिया कुछ ऐसा कर लिया जो एक सिंबॉलिक हो जाए। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम में से कोई एक उठ के पुकार दे अजान, पुकार दे नमाज के लिए। तो इस तरह से अजान के जो अल्फाज आप सुनती हैं, जो एक लम्हे के बराबर भी, पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं होती कि कहीं भी अजान ना हो। 5 अजानें कहीं ना कहीं सारी दुनिया में होती हैं कॉल फॉर प्रेयर। ठीक है, इस तरह अजान का तरीका राइज हो गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अप्रूव कर दिया। इसी तरह जुमा के दिन गुस्ल करने की भी बात आई तो उसमें उसका भी अक्ल और फितरत की रहनुमाई में वो बात थी। मस्कूर है सही मुस्लिम जिल नंबर 2 किताबुल जुमा हदीस नंबर 1959 हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है कि मदीना में ज्यादातर लोग मजदूरी करते थे, उनके पास नौकर चाकर नहीं थे, काम मेहनत वाला खुद से करते थे, जिसकी वजह से उनके जिस्मों से बुरी बदबू आने लगती थी और जब वो जुमा सलाह के लिए आते तो फिर लोगों को तकलीफ पहुंचती। तो इसलिए हुक्म दे दिया गया कि जुमा सलाह के लिए आओ तो गुस्ल करके आओ। ये एक अकली बात थी। अब ये बात और है कि जो लोग नहाने से जी चुराना चाहते हैं वो इसका ये मतलब समझते हैं जुम्मा जुम्मा को नहाना चाहिए, और जो लोग इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं वो कहते हैं मुसलमान तो मलिच्चे होते हैं कि सिर्फ जुमा को ही नहाते हैं। बात यह नहीं थी कि सिर्फ जुमा को ही नहाना चाहिए, बात यह थी कि जुमा में बड़ी गैदरिंग होती है और दूसरे जो कंपेनियन है आपका बगल में खड़ा हुआ है, एक मजदूर है और एक बादशाह, दोनों को बगल बगल में खड़ा होना है। ठीक है, तो वो अगर मजदूर के बदन से बदबू आएगी तो बादशाह अगली नमाज में नहीं आएगा। ठीक है, और शोल्डर टू शोल्डर भी खड़ा होना है, लिहाजा हुक्म दे दिया कि जुमा के लिए गुस्ल करके आया करो और खुशबू लगा के आया करो। फिर बता रहे मर्दों के लिए। इसी तरह नमाज को लंबा खींचना अल्लाह के रसूल ने नापसंद किया, जमात की नमाज को। हदीस है सही बुखारी जिल नंबर 1 किताबुल अज़ान हदीस नंबर 667 अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जब भी कोई इमाम बनकर लोगों को नमाज पढ़ाए तो छोटी रखे, लंबी नमाज ना पढ़ाए, और जब अकेले पढ़े तो चाहे जितनी लंबी पढ़े। सुभान अल्लाह, कितनी अकली बात थी, कितनी फितरी बात थी। बात इतनी सी नहीं थी, अल्लाह के रसूल ने लंबी नमाज पढ़ाने वाले को बहुत गुस्सा किया। इससे पहले वाली हदीस है सही बुखारी जिल नंबर 1 किताबुल अजान हदीस नंबर 666
इसमें है कि एक शख्स ने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की, या रसूल अल्लाह मैं सुबह की नमाज में इसलिए नहीं गया था क्योंकि फला शख्स नमाज को बहुत लंबा कर देते हैं। तो पता है आपके नबी ने यह नहीं कहा कि खबीस थोड़ी देर लंबी नमाज नहीं पढ़ सकता क्या, सुबह सुबह क्या काम था तेरे को, ये नहीं कहा, ये नहीं कहा। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल नाराज हो गए उस इंसान पर जिस जो लंबी कर देता था, बहुत नाराज हो गए। इब्न मसूद का बयान है कि हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना नाराज कभी नहीं देखा, और आप नाराजगी में कहने लगे क्या तुम लोगों को नफरत दिलाना चाहते हो, यानी दीन या इबादत से, तो तुम में से जब भी कोई नमाज पढ़ाए छोटी पढ़ाए, तुम में से बीमार भी होते हैं, मरीज भी होते हैं, नातवान भी होते हैं, और काम वाले लोग भी होते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कितनी फितरी बातों का हुक्म दिया है जो अक्ल और फितरत की रहनुमाई से आसानी से समझ में आने वाली है। ये हमको और आपको सिखाना था कि दीन कैसे फॉलो करना है, और यहाँ पे एक आसानी वाला जो मकसद है वो भी झलक रहा है। दीन आसानी का नाम है, मुश्किल का नाम नहीं है।